क्या सोच रहे हो मलार? आप तो देख ही रहे हैं काका कितनी परेशानी चल रही है। ऊपर से कल्याणी, उसको जैसे ही पता चला मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल के आधे रास्ते दौड़ती चली आई। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद को मुसीबत में डालना है कल्याणी कब छोड़ेगी। कभी नहीं, ये माँ बेटी दोनों एक जैसी है। सच बताऊं तो निस्वार्थ होकर दूसरों की मदद करने की ये आदत मैं इन्हीं से सीख रहा हूं। ब्लैक कॉफी। अब कल्याणी जैसी बनाती है वैसी तो नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश जरूर की है। मेरा मन नहीं काका, आप पीछे। मलार, मैं सोच रहा था कि हफ्ते के कुछ दिन आकर तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूं। अच्छी बात है, आप आते हैं तो अच्छा लगता है। हाँ भाई, अब तुम्हारा और कल्याणी का रिश्ता जुड़ते जुड़ते न जाने कितना वक्त लग जाए। क्या क्या जुड़ते जुड़ते? अरे नहीं, मेरा मतलब ये है कि कल्याणी और तुम अब एक दूसरे से अलग हो गए हो, अकेले पड़ जाते होगे, तो मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ गपशप कर लिया करूंगा। काका वो अच्छी बात है, लेकिन मैं क्यों अकेला पड़ जाऊंगा? मुझे बहुत काम है, मैं मसरूफ रहता हूँ। मोक्ष कल्याणी को याद जरूर करता है बस, और तो कुछ नहीं है। अच्छा हाँ भाई, सही बात है। अच्छा तो अगर मोक्ष अपने पैरों पे चल पाता तो यहाँ आके खड़ा हो जाता, तो वो चल नहीं पाता है इसलिए तुम यहाँ बालकनी में खड़े होके कल्याणी का इंतजार कर रहे हो। क्यों? मैं समझा नहीं, क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, इसलिए कहा था कॉफी पियो, लो। नहीं काका, मेरा मन नहीं है, आप पीजिए ना। चलो आओ अंदर चलते हैं, आओ। नहीं काका, आप बैठिए ना, हवा अच्छी चल रही है ना, मैं थोड़ी ठंडी हवा लेना चाहता हूँ। अरे अरे ए, ए, रुक, ए, रुक। मलार, ए, रुको रुको। कल्याणी, क्या कर रहे हो तुम यहां चोरों की तरह? ब्लैक कॉफी मलार के लिए। तो ऐसा मुंह छुपा के आने की क्या जरूरत? कोई देख लेगा, हम लोगों को यहां पे कोई देख लेगा। संपदा हम दोनों को देख लेगी, खिलाफ इस्तेमाल करेगी। अरे वाह, क्या बात है, इसकी खामोशी को भी समझ जाते हो तुम तो, बहुत अच्छी समझ है तुम दोनों की।
इन दोनों को वो क्यों नहीं दिखाई देता जो मुझे और अनुप्रिया जी को दिखाई देता है? हम कुछ नहीं जानते। तुम दोनों को वहां पति पत्नी बनकर ही जाना होगा। अनुप्रिया, हम जानते हैं कि तुम हमारी बात का मान नहीं रखोगी, लेकिन तुम भूल गई कि इस कारोबार को तुमने अपने हाथों से सींचा है। अनुप्रिया, इस आरवाड़ी के एक बहुत बड़े परिवार ने हमें उनकी बेटी की शादी के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, लेकिन वो ऑर्डर देने में इसलिए हिचकिचा रहे कि उन्हें पता चल गया है कि अतुल जेल में था और वो अपनी पत्नी के साथ नहीं रहता है। लेकिन हमने उनसे कहा है कि अतुल बस कुछ दिनों के लिए जेल में था और वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। उन्हें 18 साल की एक बेटी भी है। उन लोगों को इतना समझाने के बाद अब जाकर वो लोग मान गए हैं। लेकिन औसाहब, पूर्ण विराम, विवेक को जेल से बाहर निकालने के लिए पैसे चाहिए कि नहीं? कल्याणी का भविष्य तो तुम भी संवारना चाहती हो ना अनुप्रिया, और बिना पैसे के तुम ये सब कैसे कर पाओगी? इसके लिए बस एक ही तरीका है, तुम दोनों को एक दिन के लिए पति पत्नी बनकर वहां जाना होगा। वो लोग तुम्हें साथ में देखेंगे तो उनके मन की सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये। फिर वही बात। ये लोग इतनी धीमी आवाज में क्या बात कर रहे हैं? कहीं ये लोग आए को बहला फुसला तो नहीं रहे? अनुप्रिया, बस इतना ही प्यार करती हो कल्याणी से? अनुप्रिया देखो, कल्याणी के भविष्य के लिए तुम्हें हम दोनों को ये करना ही होगा। बस एक दिन की तो बात है। लेकिन ये मैं सिर्फ और सिर्फ कल्याणी के भविष्य के लिए कर रही हूं। लेकिन हाँ, कल्याणी को इसके बारे में कुछ भी मत बताइए। आई क्या रहते हैं यहाँ पे? क्या हो रहा था यहाँ पे? आई सब पता है मुझे। औसेप तुम्हें दोबारा पापा के साथ एक शादीशुदा जिंदगी अपनाने के लिए फोर्स कर रही थी, है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। समाज के सामने आपके परिवार की सो कॉल्ड इज्जत बचाने के लिए आई तुम ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कल्याणी, अतुल सुन रहे हो ना कैसी जुबान चला रही है ये? क्या कल्याणी, तुम जैसा सोच रही हो ना वैसा बिल्कुल नहीं है। अतुल तो तुम्हारे भविष्य के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कह दिया है कि कल्याणी अपने फैसले खुद लेगी। हाँ, बस वही बात कर रहे थे हम, और कुछ नहीं। चलो चलो। आई। आई। हाँ। आई। मुझे पता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। वहां पे कुछ और ही बातें हो रही थी ना? नहीं कल्याणी, हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे और अतुल के बारे में कोई बात नहीं हो रही थी। अब तुम्हें मेरे बातों पर विश्वास नहीं है कल्याणी, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। लाख छुपा लो आई, लेकिन मैं भी फैसला कर चुकी हूँ। मैं पापा के साथ होकर तुम्हें अपनी लाइफ फिर से बर्बाद करने नहीं दूंगी। नहीं पवार, तुम एक काम करो, केस की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखो, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। मेरा मेरा क्या तू लागे, क्यों तू बांधे?
मन के मन से धागे बस चले से पुलिस स्टेशन। तुम थकते नहीं? हाँ आज तो घर पे रुको ना प्लीज मेरे लिए। छोड़ो मुझे। क्या नाटक है? जब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता ही नहीं है तो जबरदस्ती नाटक क्यों कर रही हो संपदा? नहीं नहीं मैं भी अब तक ऐसे ही सोचती थी लेकिन थैंक्स टू कल्याणी उसी ने कहा था कि कम से कम मोक्ष के लिए ही सही हमें हमारे रिश्ते को और एक मौका देना चाहिए। संपदा आ छोड़ो मेरा। थैंक यू सो मच कल्याण। थैंक यू। लेकिन तुम अब चिंता मत करो। वो क्या है ना तुम्हारी कही हुई हर बात पर मैं अब पूरा अमल करूंगी। मैंने वैसे तैयारी भी की है। वो क्या है ना कि मल्हार और मेरे टूटे हुए इस रिश्ते को मैं एक और मौका देना चाहती हूँ। इसलिए मैंने कुछ शॉपिंग भी की है। ये देखो कुछ नाइटीज है। ये देखो कितना प्यारा नाइटी है। और भी है। ये देखो क्या है ना कि मल्हार मुझे सैटिन के नाइटीज पे बहुत पसंद किया करता था इसीलिए मैं स्पेशली उसके लिए ये देखो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। एक काम करो ना तुम ही मुझे बताओ ना मैं इसमें से कौन सा नाइटी पहनूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है कल्याणी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो। कल्याणी क्या कर रही हो? कल्याणी पागल हो गई हो क्या? अरे ये मेरे नाइटीज खराब हो जाएंगे। पागल होते जा रही है। अरे कर क्या रही हो तुम? कल्याणी हाँ लो सारी नाइटीज डिस्ट्रॉय हो गई। ये ना मैंने इसलिए किया क्योंकि बिल्लू को ऐसे भारी और लाउड कलर्स पसंद नहीं है डर जाएगा वो। और तुम्हें समझ में नहीं आता बच्चा है ना वो ऐसे लाउड कलर्स देखेगा तो उसकी आंखों में प्रॉब्लम होगी। बिल्लू की खातिर तो तुम कुछ भी कर सकती हो ना। ये सब नहीं पहनोगी तुम? ओके 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 ठीक है शांत हो जाओ। कोई बात नहीं मेरे पास ना और भी नाइटीज है। मैं मोक्ष को पूछ के नाइटी चूज करूंगी। मतलब वो बताएगा ना कि उसके बाबा को कौन सा कलर अच्छा लगेगा। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कल्याणी। क्या हुआ? अरे कल्याणी कल्याणी संपू तुझे हो क्या गया? क्या तू सच में मल्हार के साथ? अरे पागल हो गई हो क्या? ही सवाल ही नहीं उठता। मैंने तो बस एक छोटी सी चिंगारी चलाई है तुमने देखा नहीं कल्याणी कैसे चल उठी है। और एक बात तो तय है आग दोनों तरफ बराबर की लगी है। हमें बस हवा देनी है ऐसी हवा जिससे ये आग और भड़के। मैं तो चाहती ही हूं कि वो कल्याणी और मल्हार साथ में आए और हमें कोर्ट में साबित करने के लिए कोई सबूत मिल जाए। एक बार कोर्ट में ये साबित हो गया कि मल्हार का कल्याणी के साथ अब भी कोई रिश्ता है तो क्या कोर्ट अपने आप मोक्ष की कस्टडी मुझे दे देगी? अरे वाह संपू क्या बात है। कल्याणी दिल छोटा मत करो तुम्हें मल्हार पे भरोसा है ना? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे बुरा लग रहा है? अरे पागल हो क्या? कुछ भी सच्ची बहुत भोली हो तुम। अरे मुझे कोई बुरा बुरा नहीं लग रहा है। हाँ नहीं वो तो मैं
संपदा के साथ ऐसे मजाक कर रही थी। हाँ मतलब लगने दो ना उसे कि मुझे बुरा लग रहा है, जलन हो रही है, लगने दो उसे। मुझे तो सच पता है ना, घबराने की कोई बात ही नहीं है। क्या इतने भी भोली नहीं हूं कल्याणी कि तुम्हारा दर्द न समझ सकूं। आज की रात खोना है क्या, पाना है क्या, खोना। अथर्व कहाँ जा रहे हो? अथर्व रुको, अथर्व प्लीज रुको, अथर्व तुम कहाँ जा रहे हो? अथर्व प्लीज, नहीं नहीं नहीं, अथर्व प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो अथर्व। दिमाग खराब हो गया है? मेरी गाड़ी के आगे आके मरने का प्लान है? जाओ मलार राणे की बाहों में मरो ना। पानी पानी पानी। जब तक जयंत और उस दुबई वाले का नंबर नहीं दे देता ना, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। पानी। पवार, जब तक ये इन्फॉर्मेशन ना उगले, इससे ना पानी देना ना खाना। जी सर। मैं अभी घर जा रहा हूँ, सुबह जल्दी आऊंगा। ठीक है? ठीक है सर, जय। मल्हार जी। कल्याणी। मल्हार जी, मुझे पता था कि आज आपको रात भर काम करना है, इसलिए मैं आपके लिए घर से टिफिन लाई हूँ। अपने हाथों से बनाया है मैंने, बट डोंट वरी, संपदा को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ कल्याणी, लेकिन मैं तो घर। आप घर कैसे जा सकते हैं? अभी तो आपको कितने मुजरिम भाई लोग से और इन्फॉर्मेशन निकलवानी है ना, सच उगलवाना है ना, और उसके लिए आपको ताकत चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। चलिए चलिए, हम खाना खाते चले। सॉरी, अब वो मैं थोड़ा भावना में ज्यादा बह गई। अब लेकिन मल्हार जी, मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, आप अब खाएंगे नहीं? ऐसा नहीं करेंगे ना, इसलिए चलिए प्लीज चलिए। हाँ कल्याणी। राहुल, उस केस को ठीक से दर्ज करो, नई फाइल बनाओ। मल्हार जी, और फिर वो, आप फोन पे ही बात करते रहेंगे या फिर आएंगे भी? खाना खा लीजिए ना। और फिर वो सब इंस्पेक्टर पुष्कर को दो, मैं रखता हूँ अभी। मल्हार जी आ जाइए। कल्याणी, यहाँ खाना जरूरी है क्या? हम पुलिस स्टेशन में भी तो खा सकते थे ना। अरे मल्हार जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब खाना भला कोई मुजरिमों के बीच में खाएगा? नहीं नहीं, अब खाना खाना है तो थोड़ा अच्छे से खुले खुले माहौल में खाना चाहिए ना। हाँ रुक जाइए, मैं परोसती हूँ अभी। लीजिए मल्हार जी, खाइए, मैंने बनाया। तुमने खाना खाया? नहीं। बहुत बहुत जोर से नींद आ रही है मुझे। तुम क्यों नहीं खा रही हो? खा लो। हाँ मैं दूसरी प्लेट निकालती हूँ। कल्याणी, तुम इस प्लेट में भी खा सकती हो।